हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर्स चैनल स्टडी विद निधि। आज हम थ्री मार्कर्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे थ्री मार्कर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का जो हम पढ़ने वाले हैं ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 जो है उससे भी उसको भी कवर करता है, पेपर थर्ड का जो यूनिट 10 है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहला थ्री मार्क हमारा लेते हैं भूगर्भ शास्त्र क्या है। तो इसमें हम तीन पॉइंट्स बनाएंगे, देखते हैं कैसे। भूगर्भ शास्त्र क्या है, जिससे पृथ्वी के संगठन, पृथ्वी के आंतरिक व बाहरी भागों के तत्वों, प्रारंभिक व वर्तमान स्वरूप का ज्ञान या अध्ययन समझते हैं। इसे भूगर्भ शास्त्र क्या है, हमने इसे तीन पॉइंट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। भूगर्भ शास्त्र ऐसा एक शास्त्र है जिससे हमें पृथ्वी के संगठन की वो उसके जो आंतरिक और बाह्य तत्व हैं वो किन तत्वों से मिलकर बने हैं, उसका जो आज का वर्तमान स्वरूप है और उसका जो प्राचीन स्वरूप था, है ना, उसका अध्ययन करने में हमें सहायता मिलती है। किससे? भूगर्भ शास्त्र से। भूगर्भ शास्त्र का महत्व क्या है, तो पृथ्वी के निर्माण में सहायक प्रक्रियाओं के अध्ययन में सहायक, प्रागैतिहासिक जीवों व उत्पत्ति और विकास के अध्ययन में सहायता करता है। इसके द्वारा ही पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना व संगठन का इतिहास व्यक्त किया जा सकता है। तो महत्व क्या है बेसिकली इसका, कि भूगर्भ शास्त्र ना होता अगर तो हम पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस तरह, किन किन स्टेजों से चेंजेस होकर बना, हम वो नहीं पता कर पाते। भूगर्भ शास्त्र नहीं होता तो हम पता नहीं कर पाते कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे संभव हुई, ना ही हम यह अध्ययन कर पाते कि पृथ्वी के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान था या कौन कौन से तत्व सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना व स्थलाकृति से संबंधित सिद्धांत बताइए। दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत कहते हैं, और एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 में, और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो हैरी हेस ने दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन 1962 में उसमें चेंजेस कर WJ Morgan द्वारा उसको प्रसारित किया गया हर जगह। नेक्स्ट, भूसंचलन बल, अर्थ मूवमेंट क्या है, तो दो बेसिकली जो फोर्स होते हैं जिनके वजह से अर्थ में इस तरह के हलचल होती है, इस तरह का अर्थ जो है उसमें मूवमेंट होती है, कौन सा, एक अंतर्जात बल है और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल जो है वो टू टाइप्स के, एक आकस्मिक अचानक से होने वाला परिवर्तन, अचानक से होने वाला बल, और एक है पटल विरूपणी। पटल विरूपणी जो है वो दो प्रकार का, वलन फोल्डेड और भ्रंश, दरार पड़ती हैं जो घाटियों में। जो बहिर्जात बल है वो अनाच्छादन, ओवरलैपिंग के वजह से, दो प्रकार के हैं ये, अपक्षय और अपर्दन। जो अपर्दन है वो तीन तरह से हैं, प्रवाहिस, पवन और हिमनद। नेक्स्ट है, स्थलाकृतियाँ क्या हैं। बेसिकली तीन प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं जिन्हें भू आकृतियाँ भी कहते हैं। तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसमें महाद्वीपी एवं सागर, जो महाद्वीप हैं, सागर हैं, महासागर, वो आते हैं इसके अंतर्गत। जो द्वितीयक स्थलाकृति है इसमें पर्वत, पठार, मैदान आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होती हैं, तो प्रथम जो स्थलाकृति है ना उसके ऊपर निर्मित होती हैं, ठीक है। और बनती कैसे है, ये अंतर्जात बल द्वारा, हमने पहले पढ़ा तीन तरह के बल, तो उसमें जो बल है अंतर्जात बल, उस अंतर्जात बल के द्वारा ये निर्मित होती हैं। नेक्स्ट हमारा तृतीयक स्थलाकृतियाँ, तो ये कहाँ पे बनती हैं, जो तृतीयक स्थलाकृतियाँ हैं वो घाटी, समुद्र, जो समुद्री कगार होते हैं, खादर, बांगर, जो तरह की मिट्टियाँ होती हैं, ये उन सब में तृतीयक स्थलाकृति पाई जाती है। इसका निर्माण द्वितीयक स्थलाकृतियाँ जो हैं उनके ऊपर होता है, और ये किससे, जैसे द्वितीयक स्थलाकृति में मैंने बताया कि अंतर्जल जात बल द्वारा निर्मित होती हैं, जो तृतीयक स्थलाकृति है वो बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम उच्चावच कैसे कहते हैं। किसी क्षेत्र की विशेष के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे जो स्थलों के सापेक्ष तुलना की जाती है वो उच्चावच कहलाती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो अप्स एंड डाउन्स हैं काफ़ी सारे, तो घाटियाँ जो हैं बहुत ऊंचाई पे होती हैं, फिर दून के क्षेत्र जैसे देहरादून में बोले जाते हैं, फिर तराई क्षेत्र है नेपाल के नीचे, और यूपी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र, और फिर पठार, और जो नीचे है वो मैदान, और उसके नीचे जो आता है वो सी लेवल है। तो इस तरह से जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो जिसके कंपैरिजन में जो ज़्यादा ऊपर है स्थल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्चावच, ऊँचा नीचा। नेक्स्ट, संरक्षी क्या है।
इसके अंतर्गत दोनों प्लेटों के आपसी घर्षण करते हुए जब एक या दो विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं प्लेट्स, जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट्स हैं आपस में उनमें घर्षण हो रहा है और एक एक ही ओर वो प्लेट शिफ्ट हो गई है, या फिर दोनों प्लेट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई हैं, मूव हो गई हैं, शिफ्ट नहीं मूव हो गई हैं, तो जब ये मूव होती हैं तो या तो ब्लॉक पर्वत बनते हैं या भ्रंश गांठियाँ पर बनती हैं, मतलब इस तरह की कई स्थलाकृतियाँ बनती हैं ये बेसिकली, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम संरक्षी कहते हैं। नेक्स्ट, भूपरपटी क्या है? भूपरपटी क्या है? पृथ्वी की जो सबसे बाह्य सबसे पतली जो ठोस परत होती है वो भूपरपटी कहलाती है, ठीक है। इसकी मोटाई जो होती है वो 60 किलोमीटर होती है। सबसे पतली परत होती है क्योंकि सबसे ऊपरी परत है, जैसे कि जिस पर हम रह रहे हैं बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो भूपरपटी है। सबसे पतली परत इसलिए क्योंकि वो बनती और बिगड़ती रहती है, हमेशा नई बनती है, नई फॉर्म होती है और उसके बाद फिर वो रिमूव होती है और फिर एक और नई परत बनती है, तो सबसे पतली परत है। सियाल से बनी है, सियाल मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हुई होती है जो सबसे ऊपरी परत है। यहाँ डायग्राम में देखें तो जो ये लाइन ये लेयर है ये सियाल से बनी होती है। सियाल लर्न करने के पर्पस से लिखा है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो ये इससे बनी हुई होती है। सीमा से निचले भाग में होता है, जो इसकी नीचे वाली ये लेयर है वो सीमा से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। इनके बीच में एक क्या कहते हैं असंबद्धता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोहो असंबद्धता। वो किस किस के बीच में होती है? वो होती है हमारी ये भूपरपटी हो गई हमारी, है ना, और ये हमारा मेंटल। तो जो भूपरपटी और मेंटल के बीच में होती है उसको बोलते हैं हम मोह असंबद्धता। ये मेंटल है हमारी और ये हमारा क्रस्ट है, तो इनके बीच में जो होती है उसे क्या बोलते हैं, मोह असंबद्धता। तो इस तरह से आज के हमारे 3 मार्कर्स थे। ऐसे ही और भी 3 मार्कर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।